ये है डब्ल्यू मोटर्स की खयात, और वो डब्ल्यू मोटर्स एक कंपनी यूएई बेस्ड, उन्होंने एक और ग्रुप है सेफ सिटी के नाम से, उसके साथ मिलकर ये बहुत ही स्पेशल मिलिट्री व्हीकल बनाई है, जो कि पुलिस कार के लिए यूज़ होगी या स्वाट के लिए यूज़ हो सकती है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकती है। मगर सीट्स देखें क्या ज़बरदस्त कंफर्टेबल सीट्स हैं, बड़ा सा आर्मरेस्ट है, पीछे भी सीट्स हैं, दो इंडिविजुअल सीट्स हैं, तो वाकई बहुत ही लग्जरियस इंटीरियर है। जगह जगह कार्बन फाइबर भी है इंटीरियर में, बड़ी बड़ी एलसीडी स्क्रीन्स थी हर तरफ, क्योंकि पुलिस व्हीकल है और ये ज़ाहिर है फॉर सेल नहीं है, तो अभी ये स्टार्ट नहीं है। पीछे के दरवाजे जब वो अपोजिट डायरेक्शन में खुलते हैं, मगर ये वाला शायद फंसा हुआ या लॉक है, खैर मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं खोलूँगा इसको, मगर आगे का जो इंटीरियर वो तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। और आपको हैरत होगी कि ये गाड़ी जो है वो एक्चुअली रोड पे आ गई है और दुबई पुलिस इसको यूज़ कर रही है, तो अभी तो खैर नॉर्मल पुलिस कार के तौर पे ही यूज़ होनी है, मगर गयात ने डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल एडिशंस बना रहे हैं इसकी और डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के हिसाब से बना रही है। तो ये तो खैर फुल ब्लैक कलर में है और डिज़ाइन वाइज बहुत ही खूबसूरत है, प्लस इन्होंने जो है वो आगे वर्टिकल बीम्स रखी हुई हैं और प्रोटेक्शन के लिए, कभी कोई चीज़ को धक्का देना हो या गाड़ी को टक्कर मारनी हो किसी भी चीज़ के लिए, तो वो कर सके गाड़ी, प्लस जो है वो इस गाड़ी को खुद से खुद डैमेज जो है ना वो कम हो। ये इसकी लाइट्स हैं नॉर्मल लाइट्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो डिटर्मिनल लाइट्स है। व्हील्स में काफ़ी खूबसूरत बनाए हैं इसके, तो ये वाकई अच्छी तरह डिज़ाइन हुई हुई है, देखें जगह जगह इसके में लाइनें भी हैं, डिज़ाइन फीचर्स भी हैं, और ये पूरा पैनल है जो कि बाहर निकला हुआ है, इसमें लाइट्स हैं और कैमरा भी है और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, और ये देखें पीछे भी लाइट्स हैं इसके अंदर, पीछे भी जो है वो ऊपर स्पॉइलर विंग्स दिया हुआ है, उसमें भी लाइट्स हैं, ग्रिल भी दी हुई है, पीछे किसी किसी चीज़ की एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दी हुई है, बम्पर भी बहुत स्पेशल किस्म का है, लाइट्स इसकी ज़बरदस्त हैं, तो ये डिज़ाइन वाइज वाकई एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। और आप यकीन नहीं करेंगे दुबई पुलिस इसको यूज़ करती है, मगर ऑफकोर्स वो गाड़ियाँ व्हाइट और ग्रीन कलर की हैं, वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी ये ब्लैक कलर की है। यहाँ पे एक और गाड़ी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये एक तो फुल मैट ब्लैक है, इसमें आगे बुलबार लगे हुए हैं, व्हील्स आई थिंक सेम ही डिज़ाइन के हैं, मगर हाँ साइड स्टेप इसमें लगा हुआ है मेटल का, और इसमें कुछ सिल्वर डिज़ाइन फीचर्स हैं वो थोड़े कम है, हाँ पीछे के जो फेंडर है उस पर भी डिज़ाइन कम है, लाइट सर से डिफरेंट है, ये देखें डब्ल्यू मोटर्स का स्पेशल प्रोजेक्ट्स डिवीजन का कार्बन फाइबर का लोगो लगा हुआ है, पीछे जो बार्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं, सिल्वर कलर के नहीं हैं। अब इस गाड़ी के बारे में स्पेक्स बहुत कम है ऑनलाइन, कुछ कुछ कह नहीं सकता मैं कि क्या इंजन है, मगर मैंने सुना है कि ये निसान पेट्रोल पे बेस्ड है, कि निसान पेट्रोल की बॉडी ली है और इंजन वही है, मगर इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ चेंज कर दिया है, तो शायद वही है क्योंकि साइज़ में तो ये बिल्कुल निसान पेट्रोल जितनी ही बड़ी है, निसान पेट्रोल लैंड क्रूज़र से भी ज़रा सी बड़ी है, 1 आध इंच कुछ, और वो कराची में भी मैंने देखी कि बहुत बड़ी गाड़ी है, तो ये वाकई जब ये रोड पे चलती है तो वाकई नज़र आती हैं। और एक और तीसरी गाड़ी भी है यहाँ पे एक और मैट फिनिश में, खैर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डब्ल्यू मोटर्स जो गाड़ियाँ बनाती है वो किस टाइप की गाड़ी बनाती है। डब्ल्यू मोटर्स अकेले जब गाड़ी बनाती है वो बनाती है ये वाइट कलर की जो गाड़ी है, ये है लाइकन, और ये बहुत ही ख़ास गाड़ी है, दुनिया में सिर्फ 7 हैं और ये तकरीबन 3.4 मिलियन डॉलर्स की गाड़ी है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगी है ऑनेस्टली। फिर इनका नेक्स्ट मॉडल है ये है फेनियर, ये 19-20 डिफरेंस है डिज़ाइन वाइज, मगर हाँ ये 800 हॉर्स पावर की है। और फिर ये है बहुत ही ख़ास गाड़ी, ये है वो गाड़ी जो फास्ट एंड फ्यूर 7 में यूज़ होती, फिर एक ऐसी आर्ट प्रोजेक्ट है, तो अगर वीडियो देखनी है आपको लाइकन और फेनियर की तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आपको सारे नाम और लिंक्स मिल जाएंगे, लाइकन में बैठा भी हूँ और तो उसकी भी वीडियो ज़रूर देखिए, उसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, और मुझे कमेंट्स में बताएगा आपको ये गाड़ियाँ सब कैसी लगी। बाकी और वीडियोज़ देखना है एक नज़र तो ज़रूर मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, आपको यकीन बहुत मज़ा आएगा, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।